मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो चलते हैं, आज देखते हैं अपन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, लेन देन संबंधी जो विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो प्रक्रिया के संदर्भित करता है, यानी जो उसको एक्सप्लेन करता है, जिसमें पारस्परिक व्यवहार, इसमें कौन सा व्यवहार आता है हमारा, पारस्परिक साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब हमारी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है लेन देन संबंधी, यानी किसी से हम लेते हैं कुछ देते हैं और उसका विश्लेषण हम साइकोलॉजिकल प्रक्रिया में करते हैं, यानी हमारे साइकोलॉजिकल बहुत डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पारस्परिक जो व्यवहार है और उसका अध्ययन जो किया जाता है, यानी हम जब किसी से कोई चीज़ लेते हैं, किसी साथ कुछ काम करते हैं और उसके तो उसके जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है, उसको जो समझने का, जो व्यवहारिक समझने का जो अध्ययन है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें सामाजिक या साइकोलॉजिकल जो मॉडल है, जो व्यक्तिगत विकास, जो किसके लिए बात करता है, व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में जो बात करता है, यानी हम अगर हम बात करें जो समाज है, समाज में हम रहते हैं, समाज में जिसमें हम काम करते हैं, वहाँ लोगों के व्यक्तिगत जो हमारे पास उनके व्यक्तिगत व्यवहार, यानी उनका व्यक्तिगत डेवलपमेंट क्या है, उनके व्यक्तिगत में परिवर्तन, व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन क्या, उसके बारे में जो बात करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अहंकार, राज्यों तथा उनके व्यवहार को समझने, यानी लोगों के अंदर क्या अहंकार भी होता है, ठीक है, उनके व्यवहार को समझने एवं भावात्मक यानी उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी समस्याओं को हल करने तथा उन्हें बदलने के लिए और पहचानने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहलाता है। उनका मॉडल मूल रूप से, अगर हम उनके मॉडल की बात करें, मूल रूप से डॉक्टर एरिक बर्न द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, जो हमारे डॉक्टर्स थे एरिक बर्न, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया, जिन्होंने अपने अवलोकन में, यानी उन्होंने अपने अवलोकन के दौरान यह पाया कि उनके मरीज इस तरह से व्यवहार करते हैं, यानी उन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर एरिक थे वो अपने पेशेंट्स को देखा और उनके व्यवहार अवलोकन किया, उन्होंने कहा कि हमारे मरीज किस तरह से व्यवहार करते थे, जैसे कि उनके अंदर कई अलग अलग लोग थे, जैसे उनके अंदर कई अलग अलग तरीके के क्या थे, लोग थे, जिन्होंने स्वयं व्यक्तित्व और गतिशीलता और दूसरों के संबंधों के अध्ययन के बारे में मजबूर किया। उन्होंने क्या किया, अपने आप को लोगों के व्यक्तित्व, गतिशीलता और दूसरे के साथ साथ संबंधों में अध्ययन के लिए मजबूर किया, जिससे उन्होंने निर्धारित करने क्या किया, उन्होंने निर्धारित करने मदद मिलती है, उन्होंने क्या अध्ययन किया, जिससे लोगों को समझने में तथा उनके विभिन्न वास्तविक समय स्थितियों को किस प्रकार से उन्होंने लिखा, किस प्रकार से समझा। अब इसमें अपन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बात करेंगे कैसे इसमें हमारे पास आता है। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, वो तीन इस तरह से हम बात करते हैं, जोहरी विंडो सिस्टम, ईगो स्टेज, लाइव स्किप, लाइव पोजिशन और ट्रांजैक्शंस। तो इन स्टेट पे, यानी हम किसी व्यक्तित्व के जो हमारे पास जो व्यवहार है, जो डेवलपमेंट है, वो इन स्टेजेस पे अपन समझ सकते हैं, जोरी इस विंडोज, ईगो स्टेज, लाइफ स्किप, लाइफ पोजीशन और ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट आती है, जिसको अपन बोलते हैं जोहरी विंडोज विंडो, ये आपके सिलेबस में भी इस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें, जौहरी विंडोज जो जोसेफ लुफ्ट एंड हरी टंग इंगम द्वारा विकसित किया गया, जो डॉक्टर्स थे हमारे पास जोसेफ लुफ्ट एंड हरी टंग इंगम द्वारा विकसित किया गया था, उनका ये मनोवैज्ञानिक मॉडल था। उनका क्या था, ये मनोवैज्ञानिक मॉडल था। अब मनोवैज्ञानिक मॉडल क्या था उनका, कि जो समूह में सदस्य के बीच संबंध, यानी समूह मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो समूह के सदस्य के बीच संबंध और आपसी समझ के बारे में बात करता है, जो किसके विषय में बात करता है, यानी जो ग्रुप के बात करता है, अपन बात करते हैं जिससे लोगों क्या होता है, लोगों को घर आप एक अकेले होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, जब लोग ग्रुप में आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा आता है। तो हमारे लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास जोफे लुफ्त थे, उन्होंने समूह में जो सदस्य थे उनके बीच संबंधों और आपसी समझ के बारे में बात करता है। किसके समझ में बात करता है, ग्रुप के संबंध में उन्होंने बात। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मनोवैज्ञानिक उपकरण जो किसी व्यक्ति को स्वयं और समूह
कि अन्य सदस्यों के साथ संबंध समझने में मदद करता है। यानी हमारे पास अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया, अगर अकेला कोई होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने घर में अकेले रहते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा, आप लोगों के साथ कैसे, पर जब आप कहीं लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ कहीं ग्रुप में काम करते हैं, स्कूल कॉलेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपके उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, पर्सनल व्यवहार आपका कैसा है, तो जौहरी विंडो सिस्टम कहलाता है। वो क्या कहलाता है हमारा, जौहरी विंडो सिस्टम कहलाता है। जौहरी विंडो सिस्टम के निर्माण के पीछे उद्देश्य एक व्यक्ति को अपने बारे में, ये इसका जो हमारे पास जौहरी विंडो सिस्टम है इसका मतलब क्या कि इसके मतलब हमारे पास ये है कि जौहरी विंडो सिस्टम का निर्माण के पीछे जो उद्देश्य है साइंटिस्ट का यानी डॉक्टर जोसेफ लुफ्त का, कि एक व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी का खुलासा करके, क्या करके, इन्फॉर्मेशन का खुलासा करके दूसरे के साथ विश्वास विकसित करने में क्या बनाता है, आपको सक्षम बनाता है। यानी आप अपने बारे में बताएंगे तो आप अपने बारे में बताएंगे, वो आपके बारे में जानेंगे, तो एक दूसरे से हमारे क्या होते हैं, जो हमारा व्यवहार है या हमारा विश्वास है वो क्या होता है, डेवलप होता है। और यही जानना है और इस प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जौहरी विंडो सिस्टम। जौहरी विंडो सिस्टम चार चतुर्भुज से बना होता है, किस पे बना होता है, चार पे बना होता है, जो एक व्यक्ति अपने साथ और ग्रुप के साथ सदस्यों के साथ समग्र संबंधों की क्या करता है, व्याख्या करता है। यानी अगर हम इसकी बात करें, चार हमारे पास जो इसके सिस्टम है, क्या, ओपन, ब्लाइंड, हिडन और आपका अननोन, ये चार इसके जो हमारे पास है ट्राइंगल, जो रेक्टेंगल से चतुर्भुज है, इन चार पे बात करता है, ओपन क्या है, ब्लाइंड क्या है, हिडन क्या है और अननोन क्या है, इन चार पे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ओपन मतलब खुला, यह जो हमारे पास है ये किसी व्यक्ति के व्यवहार, उद्देश्य, ध्यान रखना, व्यवहार, उद्देश्य, दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल को दर्शाता है। जो ओपन होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो हम किसी आदमी का क्या देख सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, अपन को क्या देखेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका ज्ञान कौशल क्या है, उसके पास नॉलेज क्या है, ये चीज़ें सारी हमें क्या होती हैं, उसके बारे में पता चलती हैं। तो जौहरी विंडो सिस्टम हमारा क्या कहता है, ओपन, यानी हमारे पास क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका ज्ञान कौशल क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका पहला पॉइंट। यानी जो हमारा जौहरी विंडो सिस्टम हमने आपको पहले बताया, किसी यूजर्स के बारे, किसी जो ये लोग हैं, ग्रुप्स जो हैं, उन समूह के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर आपको पता करना है, तो चार हम रेक्टेंगल्स पे, चार पॉइंट्स पे बात करते हैं, ओपन, ब्लाइंड और हिडन और अननोन। तो पहला हमारे पास क्या, ओपन। ओपन में अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ओपन उसकी क्या देखेगा, अगर हम कहें कि यार वो पर्सन अच्छा बोलता चलता बहुत अच्छा, उठना बैठना बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से हम जो चीज़ें, वही हमारे पास क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका ज्ञान कौशल को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में यह जानता है क्या, जिसके बारे में वह जानता है, और दूसरे शब्दों दूसरे के साथ साझा के लिए तैयार, दूसरे शब्द दूसरों के लोगों के साथ वो क्या कर सकता है, साझा कर सकता है, ये चीज़ें उसके साथ। तो अगर हम ओपन में बात करें तो खुले आत्म को एक ऐसी स्थिति के रूप में जाना जाता है जिसमें व्यक्ति खुल जाता, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, खुल जाता और अपने और दूसरों के साथ, दूसरे के लिए सीधे आगे होता है, क्या करता है, वो सीधे आ जाता है, लोगों के साथ बातचीत करता है और लोगों के साथ वो अपने विचारों को साझा, और वह कैसे कर रहा है और उसके इरादे क्या है, ये भी उसको समझ में आ जाता है। भाई जब चीज़ ओपन है तो वो कैसे करेगा, उसका एटीट्यूड क्या है, तो हमें वो चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी, उसके इरादे क्या है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ओपन कहलाता है। अगर हम दूसरा बात करें, हमारे पास आता ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता अंधा, ब्लाइंड मतलब क्या होता, अंधा। तो ब्लाइंड सेल्फ एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है, जो ब्लाइंड है हमारे पास, यानी किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो दूसरे को पता है, जो दूसरे को पता है लेकिन उसे नहीं पता। कभी कभी मतलब बोलते हैं ना, यार हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आप तो दूसरों को पता है लेकिन उसको, जो दूसरों को पता लेकिन उसे पता नहीं। आमतौर पर तब होता है जब कोई किसी विषय, जब कोई व्यक्ति या विषय बचपन से ही अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से व्यवहार की नकल करता है। मेरी बात समझे कि नहीं सर, आमतौर पे क्या होता है,
स्थिति के बारे में दर्शाता है जो दूसरे को पता होता है लेकिन उसे पता नहीं होता। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति या विषय बचपन से ही अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यवहार की नकल करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे, पर उनके अंदर वो चीज़ होती नहीं, तो वो अपने आप से क्या होते हैं, छिपे होते हैं, हिडन हो, सॉरी ब्लाइंड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आता है ब्लाइंड, सॉरी हिडन। जौहरी विंडो का यह जो आपका है एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, क्या जो हिडन है, ऐसी स्थिति दर्शाता है जिससे वह जानता है लेकिन दूसरे उसको नहीं जानते। वह जानता है लेकिन दूसरा, यानी हम अपने बारे में जानते हैं पर दूसरा हमारे बारे में चीज़ नहीं जानते। आमतौर पर उन व्यक्तियों को देखा जाता है जो अंतर्मुखी होते हैं, जो कैसे अंतर्मुखी होते हैं और अपने निजी जीवन किसी से साझा करना पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, अपने अंदर छिपा के रखेंगे पर अपनी बात किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी कैसी होती है, हिडन क्वालिटी होती है। व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को अपने पास रखता है और दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता, यानी अपनी ना फीलिंग्स किसी को सामने प्रकट करता है, ना अपने भावनाएं, ना अपनी विचारें, तो ऐसे टाइप के जो हमारा होता है वो कौन सी होती है, हिडन होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है अज्ञात, अज्ञात मतलब अननोन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या, अननोन। तो अननोन की बात करें तो अज्ञात एक व्यक्ति रहस्यमय स्थिति है। कैसी स्थिति है, रहस्यमय स्थिति, जिसे ना तो वह जानता है और ना ही दूसरों को इसके बारे में पता, ना तो वह जानता है और ना दूसरे बारे में। अक्सर भावनाएं, विचार व्यक्ति इतने गहरे तक चले जाते हैं जो किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों के साथ साझा करना, समझना मुश्किल हो जाता है। क्लियर। कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे पास अक्सर भावनाएं, विचार व्यक्ति इतने गहरे तक चले जाते हैं कि जिसकी व्यक्ति के साथ साथ अन्य लोग के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता, अननोन हो जाती, रहस्यमय स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अननोन स्थिति कहलाती है। तो अगर हम जौहरी विंडो सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास चार हैं, ओपन, ब्लाइंड और हिडन और अननोन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ईगो स्टेज। ईगो स्टेज लेन देन की विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ईगो स्टेज, जो हमारे पास ईगो स्टेज है, वो किसी स्टेज महत्वपूर्ण है। कैसी स्टेज है, विश्लेषण में महत्वपूर्ण है, जो इस बारे में बात करता है कि व्यक्ति किसी समय कैसा महसूस करता है, कि किसी भी समय कैसा महसूस करता है और वह व्यवहार करता है या सोचता है। तो डॉक्टर एरिक वर्न के अनुसार आमतौर पर माता पिता के अहंकार वयस्क अहंकार और बच्चे के अहंकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसमें हमारे पास तीन ईगो स्टेज आए, कौन कौन से, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। यानी तीन उस ईगो स्टेज में बात करता है कि हमारे पास माता पिता के अहंकार, वयस्क यानी अडल्ट और चाइल्ड अहंकार के रूप में, इनमें तीन में मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी हमारे पास, वो तीन इसमें किसमें डिवाइड किए गए, तीन में डिवाइड हमारे पास किए गए। क्लियर। अब इसमें हमारे पास जो व्यवहारिक है, अगर हम बातचीत करें तो जो हमारे पास PSC मॉडल कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, PSC मॉडल, यह वर्गीकृत किसी व्यक्ति की आयु वर्ग के आधार पर नहीं बताया गया। बल्कि उस व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीकों से संबंधित है। किससे, अगर हमने तीनों को मॉडल किया है, हमने तीनों को डिवाइड किया है, तो किससे वर्गीकृत किया गया है, ये व्यवहार करने के तरीके से संबंधित। इस प्रकार से देखा जाता है कि आयु वर्ग व्यक्ति के पास इन अहंकार राज्यों की अलग अलग डिग्रियां हो सकती हैं। आइए अब इन तीनों उनको स्टेजेस को समझते हैं। पहला, पेरेंट यानी माता पिता का अहंकार। तो माता पिता का जो अहंकार भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को संदर्भित है। इससे यानी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास
पेरेंटल हमारे पास ईगो स्टेज की बात करें, देखिए हमारे पास इड ईगो और सुपर ईगो, ये देखिए हमारे पास चाइल्ड ईगो और सुपर ईगो, ये देखिए हमारे पास तीन है। तो ये अलग अलग हमारे पास हैं जिनकी स्टेज है अपन समझ, इनको इन पे अगर हम बात करें तो इन पे हमारे पास काम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम किसी की भावनाओं को समझना, उस व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को समझना, जिसे बचपन में काफ़ी परिपक्वता के साथ साथ काम लिया जाता है। इसमें हम क्या करें, परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी दिखाता है। उसके पास अति सुरक्षात्मक, हठधर्मी, दूर, अपहार, ईमानदार होने के माता पिता के लक्षण हैं। और किसी भी समय वह विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, ठीक है, क्लियर। अडल्ट वाले यानी क्या, जो हमारे अडल्ट होते हैं जिनके अहंकार बात करते हैं, वो कैसे भावनात्मक, व्यक्ति व्यवहार ठीक, अब जिससे बचपन में काफ़ी तत्वता के साथ काम लेते हैं, हठधर्मी करना है, ईमानदार होने के साथ साथ माता पिता, अच्छा ठीक है। माता पिता के अहंकार को अगर हम डिवाइड करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, दो प्रकार, आलोचनात्मक और पोषण। महत्वपूर्ण अभिभावक अहंकार वह है, महत्वपूर्ण जो हमारे पास गार्जियन है अहंकार हुआ है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के साथ बातचीत करते समय क्या करता, आलोचनात्मक करता, क्या करता, उसकी आलोचना करता, उसकी बुराई करता और मूल्यांकन यानी उसका क्या करता, मूल्यांकन व्यवहार दिखता है, यानी वो आलोचना करेगा फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा, तो वो क्या करता, उसकी आलोचना करता और उसका फिर मूल्यांकन करता। जबकि पालन पोषण करने वाले माता पिता का अहंकार एक होता है, वह व्यक्ति न केवल बच्चों के प्रति बल्कि उन सभी प्रति के प्रति दयालु और पोषण करने वाला व्यवहार दिखता है। यानी एक क्या होता है, आलोचना करेगा, दूसरे माता पिता क्या होंगे, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, उनके पालन पोषण के बारे में बात करते हैं और उनके पालन पोषण करने वाला व्यवहार दिखता है जिनके साथ वह बातचीत करता है, जिनके साथ वो क्या करता है, बातचीत करता है। तो ये जो अहंकार है हमारे पास, ये किसका, माता, पेरेंटल अंदर, ठीक। अगर हम एक वयस्क की बात करें, अब हम एक अडल्ट की बात करते हैं, तो वयस्क अहंकार व्यक्ति की तार्किक सोच, कैसा सोचेगा, या तार्किक सोच तर्क क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी लॉजिकल जो हमारे पास थिंकिंग है उसको डिपेंड सोचेगा, उसको लॉजिकल थिंकिंग पे बात करेगा। वयस्क के अहंकार के साथ साथ क्या, जो वयस्क अहंकार के साथ साथ व्यवहार या बातचीत करने वाले व्यक्ति सभी सूचनाओं को ठीक से खोजता है, यानी जो वयस्क होता है, जो अडल्ट होता है, वो सोचता है यार। पेरेंट हमारे पास क्या, सिर्फ हमारे लालन पालन पोषण के बाद जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो चीज़ों के बारे में अपन क्या करने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं और चीज़ों के बारे में हम समझने लगते हैं, क्लियर, ठीक है। तो और अपने तर्क और कौशल का उपयोग करके इन्हें मान्य करते हैं, क्या करते हैं, अगर हमें उनको तर्क करते हैं फिर उनको हम सोचते हैं तभी उनको मान करते हैं, नहीं तो उनको मान्य नहीं करते हैं। फिर इसे अन्य लोगों से प्रदान करता है, ये अन्य लोगों से भी अपन देखते हैं। बायस अहंकार रखने वाले व्यक्ति उसकी चर्चा और निष्कर्ष पर पहुंचने से किसी स्थिति के बारे में ही अपन सोचने का तरीका का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे अपनी सोच होगी तो अपन उन समस्याओं का हल कर पाएंगे, तभी हमें उनकी पहचान होती। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है वह अपने माता पिता से के डेटा को या पहचानने के लिए अपडेट रहते हैं, यानी अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे बायस होता है हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, क्या मान्य है कि अमान्य है, अपन क्या करते हैं कि मान्य है या अमान्य है, डेटा सही है कि नहीं। इसी तरह चाइल्ड डेटा भी है निर्धारित करने के लिए अपडेट किया जाता है कि कौन सी भावना व्यक्त की जाननी चाहिए, कौन सी उनको अनकही छोड़ देनी चाहिए, यानी कौन सी भावना अपन जाननी है, कौन सी फीलिंग्स उसको नहीं जाननी है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, क्लियर। इस तरह से हम वयस्क अहंकार अपनी व्यक्ति एवं भावनात्मक व्यक्ति के बारे में क्या रखता है, रुचि रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखते हैं अपन बाल अहंकार मतलब चाइल्ड। तो बाल अहंकार किसी व्यक्ति के संदर्भित करता है, किसको संदर्भ, एक व्यक्ति को संदर्भ, जब वह अतार्किक व्यवहार करता है, मतलब जो सोच नहीं पाता, जैसे बच्चा है, बच्चा क्या, उसको नहीं सोचने वाला, उसे जो चीज़ चाहिए चाहिए,
तो इसके परिणाम के बारे में सोचे बिना तत्काल रूप से जो पूर्ण करने के लिए त्वरित कार्रवाई करता है। जैसे बच्चा है, खिलौना चाहिए तो चाहिए, चाहे वो अभी कहाँ से आए, पानी बरस रहा, उससे कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए तो बाल अहंकार। रचनात्मक अवसाद, अनुरूपता, निर्धारण, घृणा, भय आदि अहंकार व्यवस्था कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं। इसमें क्या करता है कि लोगों से नफरत भी कर सकता है, घृणानुपत, रचनात्मक होता है। तो ये आपको किसमें मिलेगा? अहंकार बचपन की स्थिति में प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी स्थिति में आता है? बचपन में। जब कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं होता तो विकास अपने प्रारंभिक चरण में होता है। क्लियर? किसमें होता है? प्रारंभिक। जब कोई व्यक्ति विकास नहीं करता है तो अपने व्यक्ति किसी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में नहीं होता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए, इनको आप लोग पढ़ लेंगे, इनके बारे में स्टडी कर लेंगे, कल अपन इसमें और आगे पॉइंट्स देखेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू। आज की क्लास के लिए आगे इतना ही। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, और जो पुराने वीडियोस हमने भेजे उनको भी देखना है, और जो नए नए टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा।